तो स्टूडेंट्स पार्ट वन में हमने यहाँ तक रीड किया। अब आगे यहाँ पे हमने पार्ट वन में देखा कि एक दिन बारिश के दिन में किंग ब्रूस है वो अपनी गुफा में घास के तिनके पर सोए हुए थे और सोते सोते वो ऐसा फील कर रहे थे, उसे ऐसा फील हुआ कि वो अब थक गए हैं, बीमार हो गए, ऐसा उसे फील हुआ और उसने सोचा कि अब मैं और आगे कोई कोशिश नहीं करना चाहता क्योंकि मैंने सब कुछ गवा दिया। जैसे ही वो ऐसे पड़े हुए, ऐसे सोए हुए ये सोच रहे थे कि उसने उस गुफा में एक स्पाइडर को, गुफा में एक स्पाइडर को अपनी वेब मीन्स अपना जाला बनाते हुए देखा। He watched her as she worked hard with great care. उसने किसने किंग ब्रूस ने देखा कि वो अपना काम बहुत ही सख्त मेहनत करके वो अपना काम कर रहे थे, बहुत ही मेहनत से अपना काम, जो स्पाइडर है वो अपनी वेब को बहुत ही मेहनत से बना रहा था। She was trying to spin her thin thread from one end of the cave to the other. वो अपने जो अपना झाला था उसको ये गुफा के एक भाग से दूसरे भाग तक वो अपनी वेब को बना रहा था, स्पिन कर रही थी। तो she kept falling down, पर वो बार बार नीचे गिर जाती थी, उसका जो वेब का स्पिन का जो वेब थी, उसका जो धागा था ये वो बार बार टूट जाता था और ये मकड़ी थी वो बार बार नीचे गिर जाती थी। The thread was thin and short. जो धागा था वो बहुत ही पतला होता है, जो स्पिनिंग करता है तब जो मकड़ी का जो ये स्पिनिंग का वेब का जो धागा होता है उसे गूंथने का वो बहुत ही पतला होता है और छोटा सा था तो वो बार बार टूट जाता था। But she kept trying. पर फिर भी उसने हार नहीं मानी, वो बार बार ऊपर चढ़ती थी और एक छेड़े से लेकर दूसरे छेड़े तक अपनी अपना जाला था उसको स्पिन कर रहा था। किंग ब्रूस काउंटेड द नंबर ऑफ टाइम्स शी ट्राइड एंड फेल्ड। किंग ब्रूस गिन रहे थे कि वो कितनी बार उसका जाला टूट गया, वो नीचे गिरी और कितनी बार फिर से वो ऊपर चढ़ के अपना जाला अपने जाले को बनाती थी। तो किंग ब्रूस है वो गिनने की कोशिश करते थे पर फेल हो जाते थे। सिक्स टाइम, छह बार। हाउ सैड ही सैड, उसे दुख हुआ कि कितनी दुख की बात है, ये मकड़ी छह बार गिरी अपना जाला बनाने में पर छह बार वो फेल हुई। यू कैन नेवर डू इट यू पुअर थिंग, सैड किंग ब्रूस अलाउड। किंग ब्रूस उस मकड़ी से कहते हुए वो बोलते हैं कि तू वो कभी नहीं कर सकती है, कभी पूरा नहीं होगा तेरा काम, तू एक छोटी सी थिंग है, एक छोटी सी जान है, तो ऐसा छोटा सा एक तू इंसेक्ट है, तुझसे ये नहीं होगा। द स्पाइडर डिड नॉट गिव अप, पर स्पाइडर ने अपनी कोशिश नहीं छोड़ी। शी सक्सीडेड द सेवंथ टाइम, और सातवीं बार जब स्पाइडर ऊपर चढ़ा और उसने अपना जाला बनाना शुरू किया तो उसमें वो सफल हुआ, सक्सेस हुआ। दिस टाइम शी वॉज एबल टू स्पिन हर थ्रेड टू द अदर साइड ऑफ द केव। इस बार वो केव के एक छेड़े से दूसरे छेड़े तक अपना जाला बनाने में वो कामयाब हुआ, सक्सेस हो गई। किंग ब्रूस वॉज सरप्राइज, किंग ब्रूस को आश्चर्य हुआ, वाओ वाओ, ही क्राइड, वो चिल्ला उठे कि वाओ, इफ अ लिटिल स्पाइडर लाइक यू कैन डू इट आई टू कैन। और उसने तुरंत ही उसमें से सीखा कि अगर तू एक छोटी सी मकड़ी होकर तू सक्सेस हो सकती है, ये कर सकती है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता, तो मैं क्यों लड़ाई नहीं कर सकता और मैं सातवीं बार क्यों नहीं जीत सकता। I will fold the war a seventh time and I will win, cried King Bruce. और वो चिल्ला के बोलते हैं कि मैं भी सातवीं बार
और मैं जीतूंगा भी। King Bruce came out of his hiding place. वो जिस जगह पे छुपे हुए थे उस जगह से वो बाहर आए। He gathered all his soldiers and marched to the battlefield. उसने अपने सभी सोल्जर्स को सैनिकों को इकट्ठा किया और बैटल फील्ड मीन्स युद्ध के मैदान की तरफ उसने वो आगे बढ़े, मार्च किया, वो आगे बढ़े। King Bruce learnt a lesson. He fought the king of England one more time. वो इंग्लैंड के राजा के साथ फिर से एक बार फिर से लड़े। This time, इस बार he won the war. इस बार वो युद्ध, वो लड़ाई जीत गए। King Bruce learnt a lesson from the little spider. Try, try, try. Again, you will win. King Bruce ने छोटी सी मकड़ी से ये सीखा, ये पाठ सीखा कि हमें कभी किसी से हारना नहीं है। हमें कोशिश करती रहनी है तो फिर हम जरूर जीतेंगे। इस लेसन से आपको भी स्टूडेंट सीखना है, आपको कोई स्पेलिंग या क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो आप उसको बार बार रीड करो और लिखते रहो फिर आपके माइंड में वो क्वेश्चन का आंसर, वो स्पेलिंग आपकी समझ में आ भी जाएगा और आपको याद भी रह जाएगा। हमें ये सोच के उसको नहीं छोड़ देना है कि ये अब मुझे आता ही नहीं है, मुझे आएगा ही नहीं, ये सोच के हमें उसको गिव अप नहीं करना है। तो स्टूडेंट्स ये था आपका लेसन। अब इसके राइमिंग वर्ड्स हम देख लेते हैं। इस पेज के हमने राइमिंग वर्ड्स देखे थे, अब पेज नंबर 23 के राइमिंग वर्ड्स देखते हैं। यहाँ पे दिए है तो सिक्स, उसका राइमिंग वर्ड होता है पिक्स, पिक्स, पिक्स। फिर है स्पिन, उसका राइमिंग वर्ड होगा चीन, स्पिन, चीन। नेक्स्ट पेज पे राइमिंग वर्ड है लिटल ब्रिटल, लिटल ब्रिटल। फिर है फोर्ट बॉट, फोर्ट बॉट। स्टूडेंट्स आप देखते हैं ग्लोसरी, हमने पेज नंबर 22 पे ग्लोसरी देखी, अब पेज नंबर 23 की ग्लोसरी देखते हैं। फर्स्ट वर्ड है वॉर, वॉर का मीनिंग क्या होता है? एन आर फाइट बिटवीन टू कंट्रीज और ग्रुप। ऐसी आर्मी जो दो देशों के बीच में या दो ग्रुपों के बीच में फाइट होती है, वो अपना ग्रुप बना के आमने सामने फाइट करते हैं, उसे आर्मी कहते हैं। फिर है पाइल, अ नंबर ऑफ थिंग्स प्लेस्ड ऑन टॉप ऑफ ईच अदर। फिर है स्ट्रो, स्टेम्स ऑफ ग्रेन प्लांट्स दैट हैव बीन कट एंड ड्राई, घास के, सूखे हुए घास के तीन के। फिर है वेब, वेब का मतलब यहाँ पे क्या करना है? अ नेट ऑफ वेब्स मेड बाय स्पाइडर, स्पाइडर की जो उसकी जाला होता है उसमें ये जो नेट बनाई हुई होती है उसका जो ये धागा होता है बनाते हैं, इसको ज्वाइंट करके उसे स्पिनिंग करना कहते हैं, मीन्स स्पिन करना मीन्स हम गुथना ऐसा भी हम कह सकते हैं। फिर है स्पिन टू मेक थ्रेड, थ्रेड बनाना यहाँ पे इसे स्पिनिंग करना। फिर है सरप्राइज, द फीलिंग यू गेट व्हेन समथिंग अनएक्सपेक्टेड हैपेंस। सरप्राइज मीन्स आपने ऐसी फीलिंग्स जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था, तो ऐसी हमें कोई अचानक सी अच्छी या बैड न्यूज मिल जाए तो हमारे अंदर से जो फीलिंग्स निकलती है वो सरप्राइज होती है, मीन्स अचानक से जो हमारी फीलिंग्स होती है उसे हम सरप्राइज कह सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था आपका लेसन नंबर 3। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसको आपको भी ग्लोसरी, राइमिंग वर्ड्स और ये लेसन आपको वन टाइम रीड जरूर कर लेना है और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना है। थैंक यू।